Now, very beautiful lines and quite beautiful imagery, melodious and make me thy lyre. What's lyre? Lyre kya hota? It's a musical instrument, a kind of harp. ठीक है? हाँ हाँ वही वही. तो वो कहता है मुझे जो है अपना लायर बना लो. अब देखिए कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें से म्यूजिक निकलने के लिए शर्त क्या चीज़ होती है, बजाता क्या है, बजाने वाला क्या बजाता है उसमें, क्या क्या चीज़ उसको लाइफ देती है, एयर, हवा. भाई भाई आप मतलब इर्द गिर्द जो मीडियम है वो हवा है, उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है तो कोई म्यूजिक बजता है. इवन साउंड, कोई भी साउंड प्रोड्यूस करें वो किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस से प्रोड्यूस करता है, और हमारे पास मीडियम क्या है, विंड. ठीक है, अब देखिए बड़ी प्यारी इमेजरी यूज़ की, मेक मी दाय लायर, मेक मी योर पल्पिट, मेक मी योर ट्रम्पिट. ठीक है, वाई? बिकॉज आई वॉन्ट यू टू स्प्रेड योर मैसेज थ्रू मी. मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा लायर बनूँ और मैं ये मैसेज पहुँचाऊँ पूरी दुनिया तक. और ये मैसेज क्या है? दिस मैसेज इज बेसिकली द मैसेज ऑफ रीजनरेशन, द रेवोल्यूशन, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन. वो कह रहा है इवन एज द फॉरेस्ट इज, जैसे तुमने फॉरेस्ट को अपना लायर बनाया. कैसे है फॉरेस्ट लायर? कनेक्ट करें इसको पिछले स्टेंजा से. अपेरेंटली भी इसके मीनिंग जो है वो हमें नजर आ रहे हैं और सिम्बॉलिक मीनिंग भी नजर आ रहा है. अपेरेंटली देखें, व्हेन द विंड ब्लोज थ्रू द फॉरेस्ट और वुड्स, व्हाट हैपेंस? देयर इज अ रसलिंग साउंड. ठीक है भाई, देखना. और ख़ास तौर पे इफ द, क्या हो गया लेक्चर एंड हो गया, बस मैं आ रही हूँ, 10 मिनट में छोड़ रही हूँ. ओके, तो हम देख रहे थे कि अपेरेंटली भी बहुत अच्छा ये इमेजरी काम कर रही है. कौन सी दुनिया में है बच्चे? दोनों फॉरेस्ट में तो नहीं चले गए, जाना नहीं है. जंगली जानवर भी होते हैं वेस्ट में, निकलाओ खा वाले का कोई, इधर रहे मेरे पास पास, मेरी जिम्मेदारी है. आप जहाँ भी लेके जाती हूँ वापस क्लास में छोड़ के जाती हूँ, चाहे हम ओशंस में फिर रहे हों, चाहे हम हवाओं के साथ उड़ रहे हों. इन द एंड दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप यू सेफ एंड इंटैक्ट एंड इन वन पीस. ठीक है, तो कहीं नहीं जाना है, इधर आ जाए. हम फॉरेस्ट में जा रहे हैं लेकिन मेरे करीब रहेंगे, हाथ पकड़े रहेंगे मेरा. ठीक है, हाथ नहीं छोड़ना है. Even as the forest is, what does it mean? It means that when wind blows through the forest or woods, or more prominently when it is the woods and forest of autumn, because the leaves are quite dry, grass is dry, so when the wind blows a kind of rustling sound is produced and this sound is quite strong. आंधियों में देखा नहीं अक्सर कैसे हू हू करके आवाजें आती है, howling sort. तो अपेरेंटली भी वो बिल्कुल इमेजरी उसकी बिल्कुल क्लियर है. ही सेइंग दैट एज यू हैव ऑलरेडी मेड द फॉरेस्ट योर लायर, योर प्रेजेंस इज फेल्ट एवरीवेयर बिकॉज ऑफ द म्यूजिक विच इज क्रिएटेड इन द फॉरेस्ट. ठीक है, तो आपने जैसे फॉरेस्ट को अपना लायर बनाया, मुझे भी वैसे ही बनाया. व्हाट इफ माई लीव्स आर फॉलिंग लाइक इट्स ओन, क्या हुआ गर मेरे पत्ते भी कैसे झड़ रहे हैं फॉरेस्ट की तरह. फॉरेस्ट में जो पत्ते, इट इज़ द ऑटम ना, तो ऑटम में क्या हो रहा है, पत्ते जो है वो झड़ रहे. द लीव्स आर बेसिकली गोइंग थ्रू अ फेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वेयर दे आर शेडिंग देयर लीव्स. इट्स अ काइंड ऑफ यू कैन से डिस्ट्रक्शन, दे आर गोइंग थ्रू डिस्ट्रक्शन और डेथ. एक टेम्पररी डेथ से वो गुजरेंगे और उसके बाद रीजनरेशन होगी ना, तो वो भी यही कह रहा है. और अभी उसने पिछले स्टेंजा में ही आपको बताया कि आई हैव लॉस्ट माय विगोर बिकॉज ऑफ द हेवीनेस ऑफ द आवर. सो व्हाट इफ आई एम लूजिंग माय लीव्स लाइक द फॉरेस्ट, इट मींस दैट व्हाट इफ आई एम नॉट दैट मच स्ट्रांग, व्हाट इफ आई हैव लॉस्ट माय पैशन, व्हाट इफ आई हैव लॉस्ट माय विगोर एंड वाइटैलिटी. द ट्यूमुलट ऑफ दाई माइटी हार्मनीज विल टेक फ्रॉम बोथ अ डीप ऑटम्नल टोन. लेकिन जो तुम्हारी हार्मनीज हैं, जो तुम्हारी मेलोडियस टोन है, जो आपने जो गाना जो है वो गाना है पूरी दुनिया में, जो मेलोडी फैलानी है, वो जो टोन है इट इज़ वेरी मच डीप, बहुत डीप है. और ये एक ऑटम्नल टोन है, इट इज़ फुल ऑफ सैडनेस, इट इज़ फुल ऑफ प्रीनोमिनेशन फॉर एन अप्रोचिंग डिस्ट्रक्शन. तो आई विल मेक इट What I will make it known everywhere and I will be your tumult. मैं जो हूँ मैं आपका trumpet बनूंगा और मैं जो हूँ मेरे through जो है आपकी आवाज़ जो है वो सारी दुनिया में जाएगी. Will take from both a deep autumnal tone, sweet though in sadness.
ऑटम का सॉन्ग है ना, स्वीट है, लेकिन क्या है, इट्स फुल ऑफ मेलंकोली, इट्स फुल ऑफ सैडनेस. व्हाई? बिकॉज इट इज बेसिकली गिविंग यू द हिंट ऑफ अप्रोचिंग डेथ. बट इट इज ऑल्सो स्वीट. व्हाई इट इज स्वीट? बिकॉज देयर इज अ होप फॉर द रीजनरेशन. हमने पहले ही देखा कि इस ट्रांसफॉर्मेशन में एक टेम्पररी डिस्ट्रक्शन है और उसके बाद रीजनरेशन है. आगे देखें, बी दाउ मी इम्पेट्यूस वन. अब बिल्कुल ही फ्री हो गए शायद. पहले तो कह रहे थे मुझे उठा के ले चलो, फिर कह रहे थे मुझे लायर बना लो, बोल रहे मैं ही बन जाओ, मतलब मुझ में आ जाओ, जैसे माता नहीं आ जाती किसी में. ठीक है, मतलब ये वही बात हो गई है, तू मन शुदी मन तू शुदम वाला मामला हो जाए, मैं तुम ही बन जाऊँ और तुम मैं ही बन जाऊँ. बी दाउ स्पिरिट फियर्स माई स्पिरिट. अपनी स्पिरिट क्या बना दो? मेरी स्पिरिट बना दो. हम दोनों की रूहें क्या हो जाएं? इंटॉइंड हो जाएं. एंड वी वर्क टुगेदर. बी लव मी इम्पेट्यूस वन, ड्राइव माई डेड थॉट्स ओवर द यूनिवर्स लाइक द विथर्ड लीव टू क्विकन द न्यू बर्थ. बोलता है यस आई नो माई थॉट्स आर डेड. मैं जानता हूँ मैं पुराने ख्यालात हो गए हैं मेरे. तुम इन ख्यालात को क्या करो, ऐसे बहा ले जाओ, ऐसे पूरी दुनिया में फैला दो, जैसे कि क्या होते हैं सूखे पत्ते खसो खाशाक फैल जाते हैं, लेकिन उनकी कोई वर्थ नहीं होती. वो एक बार फैलते हैं उसके बाद क्या हो जाते हैं, ज़मीन में जम हो जाते हैं. एंड देन दे क्रिएट न्यू थिंग्स, दे क्रिएट वेजिटेशन. एंड दिस इज़ व्हाट ही इज़ सेइंग दैट वंस माय डेथ थॉट्स आर विथर्ड अवे व्हाट विल हैपन, द वर्ल्ड विल हैव न्यू थॉट्स, न्यू आइडियोलॉजी एंड न्यू फिलॉसफीज. फिर कह रहे हैं जनाब, एंड बाय द इनकैंटेशन ऑफ दिस वर्ड्स. व्हाट इज इनकैंटेशन? इनकैंटेशन किसे कहते हैं? चैंटिंग ऑफ मंत्रास. हम देखें अक्सर ऐसे करते हैं ना, कुछ वो जादूगर टाइप नहीं होते विच इज़ वो खास मंत्र पढ़ते हैं, उसको इनकैंटेशन कहते हैं, जब आप एक ही फ्रेज को बार बार रिपीट कर रहे हो. ठीक, तो वो कहते हैं एंड बाय द इनकैंटेशन ऑफ दिस वर्ड्स. अब दिस वर्ड्स से क्या मुराद है? पोइट्स वर्ड्स, पोइट्स पोइट्री, पोइट्स थॉट्स एंड पोइट्स आइडिया. वो कहता है ये पूरी दुनिया में क्या होंगे, इनकैंटेशन की जाएगी इनकी थ्रू द विद द हेल्प ऑफ यू स्कैटर्ड, और ये पूरी दुनिया में फैल जाएंगे एज फ्रॉम एन अनएक्सटिंग्विश्ड हर्थ. ठीक है, व्हाट्स अ हर्थ? हर्थ क्या होता है बेटा? हार्ट, इट्स रादर हार्ट. यस, हाँ, अंगीठी, आतिशदान. देखा होगा फायर प्लेसेस अक्सर होती हैं और उसमें फायर जो है वो जल रही होती है. नाउ दिस फायर इज अनएक्सटिंग्विश्ड फायर. हियर हु इज अनएक्सटिंग्विशर? द पोएट हिमसेल्फ. ही इज सेइंग दैट दो माय थॉट्स आर डेड, दो आई हैव बिकम लिटिल बिट कूल, दो आई हैव लॉस्ट माय पैशन और इंटेंसिटी, बट माय फायर इज नॉट अनएक्सटिंग्विश्ड, सॉरी इट्स नॉट एक्सटिंग्विश्ड, इट इज स्टिल हैविंग अ स्पार्क. और देखें आप, बहुत ही ज़बरदस्त एसोसिएशन बनाता है शैलेना. आप देखें एक अंगीठी में अगर ऊपर राख आ जाए लेकिन नीचे शोला हो, उसकी शोला भी नहीं होता, सिर्फ क्या होती है उसको क्या कहते हैं, सुलग रही हो उसमें आग, तो हवा से क्या होती है वो आग पकड़ ले. तो वो कह रहा है आई एम नॉट अनएक्सटिंग्विश, आई नीड एयर. मुझे सिर्फ थोड़ी सी क्या ज़रूरत है, थोड़ी हलचल की ज़रूरत है. आई एम नॉट अनएक्सटिंग्विश. ठीक, तो वो कह रहा है एंड बाय द इनकांटेशन ऑफ दिस वर्ल्ड स्कैटर्ड एज फ्रॉम एन अनएक्सटिंग्विश हार्ट एशिएंट एंड स्पार्क्स माय वर्ड्स अमंग मैनकाइंड. जिस तरह एक हार्ट पर जो अनएक्सटिंग्विश हो उसे आप हवा देते हैं तो वो क्या पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है, बिल्कुल इसी तरह आई एम